भाई क्लास में जिसके पास वो बड़ी वाली रेजर होती थी वो ऐसे चौड़ में घूमता था कि भाई oh my God, कट गए बाल। मैं और पूरी बेटी हम लोग घर देखने जा रहे हैं। नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम गोपाल एंड आई एम ब्लॉगिंग टुडे बिकॉज़ आई जस्ट लव ब्लॉगिंग। भाई मेरा एक्चुअली ब्लॉग का प्यार एकदम से जाग उठा है ना, मुझे आजकल ब्लॉग करने में बहुत मजा आ रहा है। तो हियर इज अनदर पॉइंटलेस ब्लॉग। पता नहीं इस ब्लॉग में क्या क्या हुआ, इट्स जस्ट वो जो वो वीकली चलता रहता है ब्लॉग, ये वो वाला ब्लॉग है। तो आ जाइए, मजा आएगी। अभी बज रहे हैं रात के 1:11 और मेरे अंदर है बहुत ही ज्यादा अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी एनर्जी। तो सीन ये है कि मैंने सोचा था मैं आज सुबह ब्लॉग चालू कर दूंगी, बट आज सुबह मैं सुबह उठी ही सर दर्द के साथ, जो मुझे बहुत ही वियर्ड लग रहा था। पहली बात, मेरा सर दर्द होता नहीं है क्योंकि मैं दूसरों के सर दर्द देती हूँ, खुद का नहीं लेती, पर मेरा सर दर्द हो रहा था। तो फिर मेरे को ऐसा थोड़ा सा लगा था सर दर्द क्यों हो रहा है ये, पर फिर वो अपने आप ही चला गया दोपहर होते होते। फिर मैं अपने कामकाज में लग गई थी और मैं थोड़े ऐसे बोरिंग शोरिंग से काम कर रही थी, तो मैंने बोला छोड़ो यार। फिर मैं ऐसे अपने थोड़े से दोस्त यारों से मिलने चली गई थी, तो व्लॉग तो नहीं हो पाया, बट अभी रात को मैंने व्लॉग चालू कर लिया है। सीन ये है कि कल सुबह सुबह हम जा रहे हैं, हमारी 7:30 की ट्रेन है बॉम्बे की। हम लोग मुंबई जा रहे हैं 5 दिन के लिए। पहले दिन ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास है, सेकेंड डे थोड़ा सा कॉन्सर्ट वगैरह है जिसमें जानवी और उसके सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, थर्ड डे हमारा थोड़ा सा काम है, फिर फोर्थ डे थोड़ा सा काम है, फिर फिफ्थ डे हम थोड़ी सी चीज़ें देखने के लिए रुके हुए हैं, पता नहीं वो कितनी कैसे हो पाएगी, और फिर हम 6 डे सुबह सुबह वापस आ जाएंगे। मुझे नहीं पता मैं मुंबई में कितना व्लॉग करने वाली हूँ, बट जो होगा वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, मेरे को ना अभी ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। आप ये मेरे नाखून देख पा रहे हो, एक जमाना हुआ करता था जब मेरे असली नाखून बहुत लंबे हो जाते थे। ये मैं ट्राई कर रही हूँ मैं वही चीज वापस लाने के लिए, पर मेरे नाखून ना बहुत ही ज्यादा नाजुक है, बहुत ही ज्यादा नाजुक कली है ये, एकदम फिद्दी से नाखून नहीं है, इनको छू दो और ये बिल्कुल मुरझा से जाते हैं, तो काफी फ्लेक्सिबल से हैं। मुझे लंबे नाखून वाली को फैशन अच्छी लगती है, पर मुझसे ना वो फेक वाले नेल्स नहीं लगाए जाते। पहली बात मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा बड़ा फालतू खर्चा है, आई माइट बी रॉन्ग, बट मेरे को वो थोड़ा सा लगता है, और वो स्पेशल ओकेजन पे ही ठीक लगता है, ऐसे रेगुलरली तो नहीं करवा सकते। और दूसरी चीज भाई, मेरे नाखून बहुत खराब हो जाते हैं, तो मैं बहुत टाइम बाद अपने लिए नेल पेंट खरीद के लेके आई हूँ। आई रिमेम्बर मैं कॉलेज में और जब स्कूल में पढ़ती थी मुझे नेल पेंट का इतना शौक हुआ करता था, बट इसमें व्हाइट कलर की नेल पेंट लगी हूँ। मुझे व्हाइट कलर की नेल पेंट बड़ी अच्छी लगती है, मैंने मेरे पाँव में भी व्हाइट नेल पेंट ही लगा रखी है, काफी सुंदर सी लगती है। बट उससे पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पैकिंग कर लेते ताकि एक भार माथे से कम हो, और फिर हम शार्क टैंक देखते देखते ये सारे काम करेंगे। एक ना काफी इंटरेस्टिंग सा और अच्छा सा इवेंट है, तो हम उसमें जाने वाले हैं, उसके लिए तो मैं फुल हीरोइन बनने वाली हूँ, तो वो चीजें भी हमने रखनी है। गाइस गाइस गाइस, आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, रुको रुको रुको। मैंने ना बचपन में से अपने घर से थोड़े पैसे की चोरी की है और उससे मैंने स्टेशनरी खरीदी है। गलत बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अगर कोई बच्चा ही देख रहा है, वेरी रॉन्ग, बहुत मार पड़ी थी और पढ़नी भी चाहिए थी, बिल्कुल मेरी गलती थी, चोरी गलत ही है। पर मुझे ना हमेशा से स्टेशनरी का बड़ा शौक रहा है, भले मैं उसका कुछ यूज ना करूँ, बस रखनी है, मेरे पास होनी चाहिए वो क्यूट चीज। नए अगर क्रेयॉन्स कलर आए हैं तो वो मेरे पास होनी चाहिए, नए तरीके का स्केच पेन मार्केट में आया तो वो मेरे पास होना चाहिए। तो अभी ना सूरत में मैंने एक बहुत ही क्यूट सी स्टेशनरी की दुकान एक्सप्लोर कर लिया, और मैं वहां गई थी तो मैं लेके आई हूँ कि बहुत ही ज्यादा क्यूट सा ट्रांसपेरेंट सा पाउच, जिसके अंदर मैं अपनी पेन पेंसिल और एक क्यूट सा पाउच बना के रखूंगी। पता है जब मैं इस दुकान पे गई थी ना, मुझे ज्योमेट्री बॉक्स दिखे थे और भाई मेरा इतना मन कर रहा था मैं ज्योमेट्री बॉक्स बस ले लूं। मैं वो राउंडर से अब कुछ गोल नहीं बनाने वाली, मैं खुद गोल हो चुकी हूँ, पर मैं बस वो ले लूं, मेरा मन कर रहा था। और मैं बताती हूँ क्या लेके आई हूँ, खोलो। पूरी बेटी इज हियर जो सोने जा रही है, एंड टू टाइप्स ऑफ सिस्टर, एक जो पैकिंग वैकिंग करके सोने जा रही है, एंड द अदर वन इज मी जो यहाँ पे एक रैंडम स्टेशनरी हॉल कर रहा है। यार एक बहुत ही क्यूट सा ये पेंटोनिक का बहुत अलग अलग कलर के जेल पेन है वो खरीद लिए थे। इसका मैं क्या करूंगी वो हम फिगर आउट करेंगे, पर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने खरीदी एक पेंसिल का डब्बा पूरा, मैं बहुत ज्यादा पेंसिल्स यूज करती हूँ, रबर और शार्पनर खरीदा। मैं जब यहाँ गई थी तो भाई वो बड़ी वाली रबर दिखी थी, आप लोगों को याद है जो ये 97, 98, 99 वाले लोगों को शायद उनको याद होगा कि ये जो रबड़ आती थी अप्सरा की, नटराज की, ये लोग पहले इस साइज की रबड़ निकालते थे, फिर उन्होंने वो बड़ी वाली रबड़ निकालना चालू कर दिया था, इरेजर निकालना चालू कर दिया था बड़ी वाली। और भाई क्लास में जिसके पास वो बड़ी वाली इरेजर होती थी वो ऐसे चौड़ में घूमता था कि भाई ये है एकदम अमीर बाप की औलाद टाइप्स वाली फील देता था वो वाली रबड़। मेरे तो पापा की खुद की दुकान थी भाई, पर मेरे को वो रबड़ मिलती थी पर आधी काट के, मेरे को कभी वो पूरी इतनी बड़ी रबड़ दी नहीं थी। फिर हम लेके आए 2-2 रुपए वाली पेन, बेस्ट पेन होती है ये यूज करने के लिए। फिर हम एक ये वाली पेन मुझे बहुत पसंद है, ये वो लक्सर करके की ऐसी वाली आती है ना, ये बहुत ही स्मूथ चलती है, मुझे हमेशा से जेल पेन काफी पसंद आई है। और हम लेके आए कि पेन पेंसिल, मैं सोचा मैं प्रोडक्टिव होंगी इसलिए मैं ये वाली एक
नोट पैड लेटर पैड जैसा लेके आई हूँ जिसपे लिखा है थिंग्स टू डू टुडे। थिंग्स टू डू की लिस्ट है, अपॉइंटमेंट से क्योंकि से मैं कोई किसी को अपॉइंटमेंट दे रही, कोई मुझसे अपॉइंटमेंट नहीं ले रहा, बट ठीक है, बट थिंग्स टू डू वाली लिस्ट को हम अच्छे से यूज कर पाएंगे। एंड इज दैट इज इट, दैट इज माई वेरी क्यूट स्टेशनरी हॉल। अच्छा, अब जो काम की बात है वो ये है कि मुझे पर्सनली व्हाइट कलर की चीजें बड़ी पसंद है, तो मैंने व्हाइट कलर के एक आधे से बैग ले रखे हैं। मैं तो एक नंबर की क्लमजी इंसान हूँ, तो मुझसे चीजें गिर जाती हैं, और ये भाई व्हाइट कलर है, ये व्हाइट से थोड़ा सा येलो और ब्राउन हो गया है जो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इसके बहुत सारे हैक्स देखे कि इसको आप कैसे साफ कर सकते हो। मैंने इसको धुल लिया, उसके बाद मुझे पता चला इसको धुला तो नहीं जाता है, पर अब तो मैंने धुल लिया, पर धुलने से इसको कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है। ऐसे बैग्स जिनको आप धुल नहीं सकते हो उनके लिए मैंने सुना है कि आप ये वैनिश लो और इससे आप साफ कर सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ, होता है नहीं होता मैं अभी आपको बताती हूँ। मैंने ना ये मेकअप निकालने वाला लिया है और इसमें हम, मुझे लगता है मैं कुछ तो गड़बड़ कर दूंगी। ये वैनिश को खुले हाथ से यूज कर सकते ना, पता चला वहां ये बैग सफेद हो ना हो, मैं खुद पूरी सफेद हो जाऊं। ओ भाई साहब, ये तो साफ हो रहा है। बाय द वे गाइस, ये बैग को वैनिश से साफ करने का हैक मुझे अनम ने बताया था जब मैं उनसे मिली थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इससे साफ हो जाएगा। भाई ये ना यहाँ काला काला दाग लगा हुआ था वो भी निकल गया है। वैनिश के बाद में इसको ऊपर अच्छे से एक कपड़े से भी पोंछ ले रही हूँ। वाह वाह वाह, एकदम मस्त चमक गया है ये बैग। हेलो जी, हेलो, मेरी पैकिंग हो चुकी है, मैंने मस्त चेंज कर लिया है, मुंह वो धुल लिया गया है, अब हम लगाएंगे नेल पेंट। तो ये ना मुझसे हमेशा बाहर निकल जाती है, मैं कभी एकदम प्रिसाइसली जो वो ऐसे आर्टिस्ट लोग लगाते हैं ना, मैं वैसे नहीं लगा पाती हूँ। तो हम कोशिश करेंगे हम अच्छी सी एक नेल पेंट लगा लें, और मैं बहुत टाइम बाद खुद अपने हाथों से नेल पेंट लगाने जा रही हूँ। नेल पेंट से ज़्यादा वो जो दीवार पे नहीं बहुत ही बारा पुट्टी का लगा दो तो वैसा वाला फील दे रही है थोड़ा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं ना सुबह उठना भूल चुकी हूँ थोड़ा सा। मैं आपको एक बहुत प्यारी सी चीज़ दिखाती हूँ। तो मैंने ना मेरी बालकनी में कबूतरों को अपना घर बनाने दिया है, क्योंकि मैं तो सिर्फ खिड़की खोलती सी हूँ। एक मैं सुबह उठ के इतना कैसे बोल सकती हूँ मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे ना कबूतरों ने अंडे दे दिए थे, और वो अंडों में से मैंने देखा था कि वो अंडे थे, फिर उसमें से बेबी हुआ, फिर वो बेबी को ऐसे कबूतर आके खाना खिलाता था, वो बेबी से थोड़ा सा बड़ा हुआ जो उड़ नहीं पाता था, बहुत क्यूट लग रहा था, फिर वो थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर उसके थोड़े थोड़े से पंख आने, फिर वो उसने यहाँ चलना सीखा, कूदना सीखा, एंड देन फाइनली वो उड़ने लग गया, और फिर वो उड़ गया। मेरे को बहुत सैड फील होता है क्योंकि मैं हर रोज से उठ के देखती थी। अभी आज सुबह मैं उठी हूँ तो आज और एक अंडा हुआ है यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ। वेरी क्यूट, वो दिख रहा है आपको कितना क्यूट सा अंडा है। ये देखो, ये मेरी बालकनी जिसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गंदा भी कर रखा है, बट ठीक है यार, यही सामने ही बैठी हुई है वो, कि कुछ कर ना दे मेरे अंडे को। गाइज, मम्मी ने सुबह सुबह बहुत ही यमी से मुठिया बना के पैक किया है। दिस इज़ वेरी हेल्दी एंड वेरी यमी, आई लव इट। गाइज, हम सबको टाटा बाय बाय बोला है। पापा ओम, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग पापा 5 दिन में आ जाएंगे। गाइज, हम ऑलमोस्ट निकल चुके थे और मुझे एकदम सही टाइम पे याद आया कि घर की चाबी तो ली ही नहीं हमने। सही चीज मुझे सही टाइम पे याद आती है, खुद को तो याद दिलाया गया था। आई नहीं नहीं नहीं, कल रात देख लिया, खुद को मम्मी ने याद दिलाया था कल रात को, तो मम्मी की बात सुनी नहीं, और अब आई नहीं नहीं कर रही है। हम सब ने अभी बैठ के क्लियर वाली नेल पेंट लगाई, क्योंकि वो व्हाइट वाली तो कल बहुत ही गंदी लग रही थी। एंड दिस इज द बर्थडे गर्ल जिसको फोन आ रहे हैं। हेलो कहती मुझे किसी को फोन उठाने अच्छे नहीं लगते बर्थडे पे, तो कहते हेलो। हेलो जी, हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई, हम सुबह ही आ गए थे, उसके बाद हमने ऐसे थोड़ा बहुत खाया पिया, मजे वजे किए, और ऐसे खाते पीते मैं थोड़ा सा एक जगह चली गई थी जहाँ पे मुझे बहुत ही क्यूट चीज दिखी है। मैं आपको और भूरी बेटी को साथ में दिखा रही हूँ। ये एयरपोर्ट कवर है। प्रिया को ये जेंजी लोगों ने बोला है कि आप ना दीदी पहले बहुत क्यूटली अपने बाल स्टाइल करते थे, तो पहले प्रिया क्या है? नहीं नहीं, मैं तो कुछ बता ही नहीं रही, कुछ खराब हो गया तो मैं गालियां सुन भी नहीं रही। गाइस, मेरे अंदर खुद के अंदर जो करने के गट्स है नहीं, प्रिया कर रही है, मैं वही रिकॉर्ड कर रही हूँ। तेरे भी कर दूँ? नहीं बहन, नहीं। लेट्स टेक अ पोल। नहीं भाई, क्रेजी एकदम से, बोलती कैची खाएं कैची खाएं, और सीधे बाल काटने लग जाती है। अभी कोरोना वाले काम अब कर रही है ये। ओह माय गॉड, कट गए बाल भाई, पर तेरे पर बहुत क्यूट लगते हैं ये। गाइस, अगर आपको आपके बाल बाल कटवाने हो, स्टाइलिंग वाइलिंग करवानी हो,
प्लीज कॉल प्रिया भाई, प्रिया तेरे पे ये हेयर स्टाइल तेरे लिए ही बनी है। ये देखो ये इस पे एक्चुअली सूट भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से, वेरी क्यूट। हेलो जी, हेलो, मैं दो दिन बाद ब्लॉग कर रही हूँ। दो दिन तक ही मैडम जी ब्लॉग कर रहे थे, मैडम जी कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट गए थे तो ब्लॉग इनके चैनल पे आ रहा था। अभी हम बस यहाँ पे बैठे थोड़ा सा काम काज कर रहे हैं। भूरी बच्ची भी यहाँ पे काम कर रही है। हेलो भूरी बच्ची, हेलो 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 शालिनी, हाय गाइस, लुक हु आई मेट यूर इन मुंबई, फाइनली बहुत टाइम बाद मुंबईकर बन गया ये। तू भी मुंबईकर यार, तू तो मैम आधी मुंबईकर आधी सूरती। सूरती क्या? हेलो माधुरी, हाय, माय गॉड द फोन कवर इज सो क्यूट, थैंक यू। वी आर फिगरिंग आउट कि हम डिनर करने कैसे जाएं, चल के 400 मीटर जाएं। भूख लगी बहुत, तो कितने ही रिक्शा ले लेते भाई, 6 मिनट चलो 12 बजे तक पहुंचेंगे, फिर हम यहां पे क्लब में वहां चले जाएंगे। बट हम घर पहुंचे तब तक क्लब बंद हो चुके थे सारे। कप्पा सेशन गाइस, कप्पा सेशन। माय एलियो ओलियो इज योर, लेट्स टेस्ट। मैं आपको नहीं खिलाऊंगी, नॉट द बेस्ट सेलेब्रिटी। हेलो जी, हमने मस्त डिनर कर लिया है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं एंड अभी हम चल दिए घर की ओर, सोते हैं। कल सुबह उठ के हमें थोड़ा काम है जिसकी अपडेट मैं आपको सुबह ही देती हूँ। अभी चलते हैं घर मित्र। गुड मॉर्निंग। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मस्त गुड गर्ल लग रहा है बन गई, पर मैं नहीं बनी एक्चुअली, क्योंकि मैं आके नहाऊंगी। मैंने कल शाम को नहाया था, तो भी 24 घंटे में तो मेरी घड़ी बाकी है। वैसे ना मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा है ना, मेरे साथ ना एक दो दिन से ऐसा हो रहा है, मैं सोने जा रही हूँ, मैं सोती हूँ और मेरे को नींद में इतने ज़्यादा सपने आते हैं और इतने भयंकर सपने आते हैं कि मेरा दिमाग चल रहा होता है कि ये कैसे करना, वो कैसे करना, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, और मैं बार बार बीच में उठ भी जाती हूँ। तो उठने के, नींद से उठने के बाद भी आई हमने कह रही, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं तो बहुत थक गई हूँ। सो के उठ के कौन थकता है? मी, आई एम द प्रॉब्लम, इट्स मी। अभी सीन ऐसा है कि हमें फटाफट रेडी होना है, बस बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें जाना है घर देखने। तो ये वाला घर को लिए हुए हमें 1 साल हो गया है, बट हम मुंबई में बहुत ज़्यादा रहे नहीं हैं क्योंकि ये वाले घर में ना हम फिल्मिंग वगैरह नहीं कर पाते, काफ़ी छोटा सा घर है और यहाँ पे ना लाइट्स बिल्कुल, बस ये एक ही जगह है जहाँ पे लाइट आती है, जहाँ से सारा मेस दिखता है। तो काफ़ी बार ना हमें जो ब्रांड कमिटमेंट्स वगैरह होती हैं, जानवी की, मेरी, हम सब वैसे वाला शूट यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। हमने ये डिसाइड किया था कि हम थोड़ा टाइम सूरत, थोड़ा टाइम बॉम्बे, से 15 डेज सूरत, 15 डेज बॉम्बे रहेंगे, ताकि थोड़ा काम हम नया भी कर पाएंगे, मुंबई में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं वो भी कर सकते हैं हम। तो इसलिए हम ये सोच रहे कि हम थोड़ा एक और बेटर घर ले लें जिससे हम यहाँ ज़्यादा रह पाएंगे। इस वाले घर में तो हम इतना नहीं रह पाए हैं। सो इसीलिए मैं और भूरी बेटी हम लोग घर देखने जा रहे हैं। मम्मी के बिना घर देखना मेरे को समझ नहीं आता है, बट मम्मी इस बार नहीं आ पाए थे क्योंकि होली आने वाली है और घर पे थोड़े से काम वाम थे। मुंबई में ना घर बहुत महंगे हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल महंगे। कंघे के पीछे शीशा लगा है जिसको मैं देख रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, द ब्यूटी ऑफ द वीडियो इज हियर। ये आई एम फुल रेडी, रेडी घर देखने के लिए, और बोले कि भाई ये तो बहुत महंगा, ये नहीं ले सकते। बाय द वे गाइस, आज हमें जाना है अवार्ड फंक्शन में, फेमिना अवार्ड्स में। गाइस आज हम घर देखने जा रहे हैं, हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, हम फिर वापस आएंगे, मम्मी को दिखाएंगे, मम्मी जब अप्रूवल देंगी गुड टू गो फिर हम लेंगे। तो यस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। गाइज हम पहली बिल्डिंग की लोकेशन पे पहुंच गए, तो लोकेशन इज लोकेशनिंग गाइज, बहुत ही सुंदर एरिया है ये। द प्राइस इज ऑल्सो वेरी प्राइजिंग गाइज, आई डोंट थिंक सो यहाँ तो हम ले रहे हैं, ये तो हम पता ही, हम ऐसे ही थोड़ा पीयर प्रेशर में ये वाला घर देखने आ रहे हैं गाइज। दिस इज द फर्स्ट मास्टर बेडरूम, दिस इज द किचन। किचन में नेचुरल लाइट काफी अच्छी है, तो अच्छी कुकिंग वीडियो बन सकती है। आई एम टू इम्प्रेस्ड विद ओनली दिस थिंग। हेलो जी, ऑन टू आवर सेकेंड लोकेशन। फर्स्ट तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुंदर थी, बट बजट के बहुत ही बाहर है, आई डोंट थिंक सो हम वो लेंगे। हेलो जी, हमने सेकंड अपार्टमेंट भी देखा, वो हमें इतना पसंद नहीं आया क्योंकि बहुत लाउड फर्नीचर था और हम लोगों को वो नहीं चाहिए, हमें ऐसे प्लेन दिवाले चाहिए होती हैं। हाँ ये भाई, पता है मेरे को ना बहुत ऐसे पेट में कुछ कुछ हो रहा है कि पता नहीं ये कैसा होगा, कैसा जाएगा, शिफ्टिंग यहाँ सही रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तो हम बहुत ऐसे सूरत ही मेजरली रहते हैं, बट अब हम एक्चुअली 50-50 टाइप करने का सोचा है, सब कुछ सोचा है, होगा क्या भगवान जाने। चलो अभी हम एक और बिल्डिंग देखने जा रहे हैं, एक और घर देखने जा रहे हैं। बिल्डिंग जैसे भी बिल्डिंग भाड़े पे लेनी मैडम जी ने, हाँ ना, अपनी प्राइवेट अंबानी। हेलो जी, हम लोग 3 फ्लैट देख के आ चुके हैं, अब लग रही है भूख, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, 1 बजने वाली है, 2 बजे में दूसरे ब्रोकर से मिलने जाना है। हम ना ये द टैंजोर टिफिन रूम आए हैं, ये काफ़ी अच्छा तमिलियन खाना सर्व करते हैं और
हमें तो बहुत पसंद है साउथ इंडियन। सो गाइस मीट अप की आंटी जी, ये देखना मम्मी अभी फुग्गे आएंगे। फुग्गे आ रहे हैं? ऐसे 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 थोड़ी दिल बनता है गाइस। मम्मी दिल बनाने की कोशिश, मम्मी ऐसे करके बनता है, ऐसे पूरा हाथ पूरा है कि आपका गोल बन रहा है, दिल नहीं बन रहा। गाइस मैंने अपने लिए छोटी छोटी सी इडली मंगवाई है और ये है फिल्टर कॉफी। गाइस पहले ना हम सिर्फ रसम चावल मंगा रही थी, अब उन्होंने ये चखा दिया है, अब जानवी क्या क्या मंगवाना है। साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। गाइस दिस इज अनदर अपार्टमेंट, ये है वॉशरूम, ये है व्यू, बहुत ही बड़ा रूम है, बॉम्बे में मिलते नहीं है बड़े घर, बट ये कम ब्राइट है, मतलब ठीक है नाइस ओके। वी हैव अ किचन हियर, वी हैव अ वॉश एरिया हियर, एंड देन वी हैव अनदर बेडरूम हियर। यहाँ वॉशरूम के नाम पे आप दिस वॉशरूम, वी हैव क्लोजेट। पहला घर जहाँ हमें बालकनी देखने मिली है, जानवी को ये कनेक्टिंग बालकनी है जो यहाँ ड्राइंग रूम में कनेक्ट होती है। एंड दिस इज हाउ द ड्राइंग रूम लुक्स, लेट्स सी। हेलो गाइस, हेलो, साड़ी गोपाली इज योर। ये हमने बाल कॉल करवाए हैं, ये पीछे से तो फिर भी कॉल है, आगे से जब उसने मुझे करके दी थी ना, वो ऐसे ऐसे बिल्कुल रह रहे थे, ऐसे सुंदर लग रहे थे, अब वो ऐसे हो गए हैं बिल्कुल। ये देखो ऐसे हल्के से कर्ल्स लग रहे हैं पर वो अच्छे नहीं लग रहे मुझे, वहां सैलून में बहुत अच्छे लग रहे थे, घर आके मुझे नहीं लग रहे बिल्कुल अच्छे। वो पैसे देने के बाद जब आपको चीज अच्छी नहीं लगती, उस चीज का जो दुख होता है ना, लगता है अंदर से गुस्सा होता है, तो थोड़ा सा वैसा सा फील है। ये देखो पीछे से काफी इसे नॉर्मल लग रहे हैं, इधर से ऐसा लग रहा है कि अभी काम बाकी है। अब बारी हमारे तैयार होने की, हम पीछे के सारे में इसको एकदम इग्नोर करेंगे, वैसे ही जैसे आप अपनी टू डू लिस्ट इग्नोर कर देते हैं, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट का काम इग्नोर कर देते हैं, अपनी पढ़ाई इग्नोर कर देते हैं, आपका बंदा आपको इग्नोर कर देता है, बिल्कुल वैसे ही आप मेरे पीछे के मैं इसको भी इग्नोर करूंगी। कोई बड़ा इवेंट हो और मेरे बाल मेकअप कपड़े इसमें गड़बड़ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अब हम करेंगे गाइस हमारा मेकअप, उम्मीद करेंगे ये बिल्कुल ठीक हो। गाइस मैंने ना मेरी हेयर स्टाइल थोड़ी सी खुद बनाने की कोशिश की, मैंने पिनअप कर दी एक साइड के बाल और एक साइड को ऐसे खुला रखा है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मैंने इसे प्लान करके नहीं किया, बट बहुत ऐसे सॉफ्ट गर्ल वाइब आ रही है, आई एम लाइकिंग इट। मैंने नेक पीस ऐसे ही कहीं से इंस्टाग्राम से देख के मंगवाए थे, इयर रिंग्स मैंने ऐसे घूमते घूमते ले लिए थे, मुझे आजकल पता चला मुझे एसेसरीज काफी पसंद आती है, तो मैं इसे ढूंढती रहती हूँ, इकट्ठी करती रहती हूँ। ये रिंग भी मैंने ऐसे कहीं रैंडमली खरीद ली थी, बट आई लाइक इट, इससे मिक्स एंड मैच होकर काफी सुंदर लग रहा है। गाइस वी आर रेडी, जानवी ने भी अपनी हेयर स्टाइल फिक्स कर ली है, मैंने भी फिक्स कर लिया, आई लाइक इट दिस ईयर। गाइस लेट अस नो कैसे लग रहा है इन द कमेंट सेक्शन, बहुत अलग वाइब कैरी कर रहे हैं हम दोनों लोग। यस एकदम ऐसे बेसिक मेकअप विद रेड लिपस्टिक। गाइस अब यहाँ बैठ के जानवी का आई टेस्ट करें, क्योंकि इसे यहाँ से वहाँ ईटीए नहीं दिख रहा है, बट आप लोगों को मेरी खूबसूरती दिख रही है क्या? अगर दिख रही तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, ये सब मैंने खुद किया, मेकअप हेयर। गाइज ये दोनों छोटी बहनें वाइब कर रही हैं और ये लोग ना यहाँ पे सीढ़ियों पे फोटो क्लिक कर रहे हैं, ऐसे में लग रहा है इस सीढ़ी को देख के किसी को तो गिरना चाहिए लौट के एक बार। ट्राई करते को पहले आ जाते। यस वैसे मैं चली, मैं अपनी देवर की बारात लेकर, ऐसा कुछ तो होना चाहिए। Congratulations, Madhu ma'am.
जी हेलो, इवेंट बहुत ही ज़्यादा मस्त था। अभी ना मैंने करिश्मा कपूर जी को देखा है, वो इतनी प्यारी लग रही थी और मेरा ऐसे देख के सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा सो सो सो, सो प्रिटी। मज़ा आया। अभी हमें भूख लगी हुई, हम सब लोग खाने का वेट कर रहे हैं, खाते हैं और फिर घर जाते हैं। पता है ऐसे सारे अवार्ड्स फंक्शन पे आके ना मुझे ऐसा लगता है नीड टू वर्क सो मच मोर, बहुत काम करना, अभी तो कुछ भी नहीं किया है। एंड आई फील मोटिवेटेड बट ऑल्सो थोड़ा सा ये कि यार नहीं किया अभी बहुत कुछ करना है। तो यस, गोपाली भी रुकी भी नहीं गेम के टेबल। हाँ गाइस, हम सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं, बट गाइस मैं बता रही हूँ जो लोग खा रहे हैं बैठ के टेबल पे वो उठ नहीं रहे हैं, ये लोग उठने का वेट कर रहे हैं। जब तक वो उठेंगे मेरी पेट पूजा हो चुकी होगी, खत्म हो जाएगा। मैंने दोपहर में 12 बजे खाया था। एनीथिंग एल्स? डेकेडेंट चॉकलेट पेस्ट्री शुगर। That sounds like a good plan. Sugar free. Okay, then let's. 4% chocolate sponge ganache. सारा हेल्दी खाना खा रही है तो सारा हमें भी हेल्दी खिलाएगी। Yes. We also have hot gulab jamun. And saffron pistachio rasmalai. Oh my, this sounds yum. Guys, people think content creators मिलके बातें करते bitching करते, वो actually खाना discuss करते हैं। Guys, हमारे पास्ता आ चुके हैं, हमारी मोहितो डाइट कोक फ्रेश लाइम वाटर आ चुका है। यस द डिनर, यस गाइस, गर्ल डिनर हो रहा है ये फॉर रियल। हेलो जी, वी आर बैक होम। अभी बज रहे हैं रात के 3:21 हो रहे हैं। हाँ, हम फाइनली घर पहुंच गए। हम एक्चुअली इवेंट तो बहुत जल्दी खत्म हो गया था, हम क्वर्की के रूम में बैठ के एकदम मजे से डिनर विनर कर रहे थे, गप्पे मारे थे। सारा ने अभी हमें यहाँ ड्रॉप किया। आज हम बहुत सारे क्रिएटर्स से मिले, बहुत फन इवेंट था। मैंने इस ट्रिप पे नैन्सी से मिली हूँ, नैन्सी त्यागी, इतने इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाती है वो। मैं उनकी मम्मी से, उसकी भाई से सबसे मिली थी, वेरी वेरी क्यूट पीपल। सो यस, उनका पेज आप ज़रूर चेकआउट करना, आई लव दैट गर्ल, बहुत टैलेंटेड है वो। सो यस, उसके बाद हम ऐसे सारे गप्पे शप्पे मार रहे थे। अब सीन ये कि भूरी बेटी और यशवी की ट्रेन है, भूरी बेटी इज लीविंग। यस गाइस, आई हैव टू गो, आई हैव टू वर्क टुमारो, सुपर टायर्ड आई एम, इट इज 3:22 राइट नाउ, 3:22 AM। तो कल जानवी का कुछ शूट फूट है जिसके लिए जानवी इज गोइंग, और मैं शाम तक जाऊंगी थोड़े से काम में निपटा के। कल मैं अपनी एक सब्सक्राइबर से मिलने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे सोचा था आई एम गोइंग टू मीट मोर सब्सक्राइबर्स नाउ, आई एम गोइंग ऑन अ क्यूट ब्रेकफास्ट डेट विथ माई सब्सक्राइबर, आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। और कल थोड़ा बहुत काम वाम निपटाएंगे और फिर हम भी जाएंगे शाम को सूरत। आई एम एक्साइटेड, मेरे को घर जाना है, मेरे को घर की याद आने लग जाती है थोड़े दिन बाद। और इस बार तो हो गए अच्छे खासे दिन, आई मीन सोम 5-6 दिन हो गए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैं सुबह एकदम मस्त उठ गई हूँ, मस्त गुड गर्ल बन गई हूँ एकदम अच्छे से, मैंने शावर ले लिया है और अब मैं रेडी हो गई हूँ। हम जा रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर से मिलने यहीं पे पास वाले कैफे, मुझे भूख भी लगी हुई है, चलो चलते हैं, लेट्स गो, आ जाओ। हाय गाइस, विद आंगी, आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, आंगी, वी आर फाइनली मीटिंग एंड वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट हियर, वेरी रैंडम डेट, शी जस्ट मैसेज्ड मी वंस की लेट्स मीट एंड वी एंडेड अप मीटिंग टुडे, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। थैंक यू सो मच। सो सभी हम मस्त बैठ के अपना खाना पीना खाते हैं। यस, गाइस मुंबई की गलियां कितनी सुंदर लग रही है किताबों की दुकान, सो प्रिटी। हेलो जी, वी आर बैक होम, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे घर आके, चलो मम्मी से मिलते हैं। इस बार मैं एक हफ्ते के लिए चल गई थी और एक हफ्ते में मम्मी से नहीं मिली हूँ, मिस मम्मा। हेलो मम्मा, वेट कर रहे अपने बच्चे को, मम्मी वेट कर रहे हैं खाना खाने का। पता है क्या, मम्मी ने बनाया है मेरे लिए आम रस, वो भी जैसा मुझे पसंद है एकदम वैसा आम रस बनाया आज मेरे लिए, आम रस। मम्मी थैंक यू सो मच। पहला आम रस चख के देखते हैं। गाइज, अब अगर आपको मेरे चेहरे पे कोई भी पिंपल विंपल दिखे आप समझ जाना वो सब कुछ इसकी देन होगी, क्योंकि अब मैं भर भर के आम और आम रस खाने वाली हूँ।